तो अगर आप भी हमारी तरफ मेट्रो से जा रहे हो देन आपको जाना है विधानसभा मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आपको ई रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा मिलेगी for 20 rupees एंड वहाँ से आप जा सकते हो MKT। दे विल ड्रॉप यू एट द गेट और ब्रिज ऑफ MKT। सो फॉर दोज हु डोंट नो, MKT इज फेमस फॉर फर्स्ट कॉपी स्टफ, चाइनीज स्टफ, कोरियन स्टफ एंड ये पूरा मार्केट ही ऐसा है। ऑल्सो दिस इज मोर फेमस फॉर मेन्स फैशन, तो मेन्स से रिलेटेड जितने भी फैशन के आइटम होते हैं लाइक शूज, टी शर्ट्स, कॉट सेट्स, बैग्स, जीन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे इजिली मिल जाती हैं। ऑल्सो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन लाफिंग, आई लव दिस डिश, पूरी दिल्ली में सिर्फ यही मिलता है। सो इट इज़ बेसिकली अ तिब्बतन स्ट्रीट फूड, आप बोल सकते हो जैसे हम गुलगप्पे खाते हैं वैसे ये लोग शायद ये लाफिंग खाते हैं, बट मुझे पसंद है। सो इट इज़ बेसिकली कोल्ड नूडल जिसके ऊपर स्पाइसेज एंड वाई वाई के साथ दिया जाता है एंड इट इज़ सो टेस्टी गाइज, डू ट्राई इट। एंड देन दिस इज द मोनेस्ट्री जो कि छोटी सी है एंड इसी मोनेस्ट्री के आस पास ये पूरा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे आपको कैफेज, आर्ट शॉप्स, गैलरीज मिल जाती हैं एंड यू कैन सी a lot of shops of boys shoes especially वो first copy वाले। तो अगर आपको high quality shoes लेने हैं under 3,000-4,000 आप यहाँ से ले सकते हो। obviously वो genuine तो नहीं होंगे but genuine से कम भी नहीं होंगे। तो फ्यू डेज बैक आई वॉज सर्चिंग फॉर हिमालयन लैम्प एंड मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि MKT में मिलता है, बट मैं वहाँ पे जब गई तो बहुत ही छोटा हिमालयन लैम्प था एंड आई डिडंट लाइक इट, तो मैंने नहीं लिया। तो ऐसे ही चलते चलते वी एंटर्ड इन टू दिस शॉप एंड इट वॉज सच अ गुड डिसीजन। यहाँ पे इतने अच्छे क्वर्की एक्सेसरीज मिल रहे थे लाइक गर्ल्स के क्लॉ क्लिप्स, रबर बैंड स्क्रंचीज एंड स्मॉल वाले रबर बैंड, बो क्लिप्स, स्पेशली कोरियन एक्सेसरीज एंड यू कैन सी क्रॉक्स हियर अगेन। बट शॉप के अंदर क्रॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव थे एंड द क्वालिटी वॉज क्वाइट डिसेंट, सो दे वर फॉर 1,100-1,500 rupees। बट मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरीज लेनी थी तो मैंने बहुत सारी क्लॉ क्लिप्स यहाँ से परचेज की है एंड मैं जब भी घर जाती हूँ तो मैं एक दो लेके जाती अपनी मम्मी के लिए, सिस्टर के लिए। आई ऑल्सो चेक सम क्लोथ्स बट मुझे क्लोथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आए एंड जितना भी फुटवेयर का कलेक्शन था वो सब बॉयज के लिए था तो मैंने वो भी चेकआउट नहीं किया। सो लाफिंग एक्सप्रेस के बगल में ही ये लामा बोबा टी करके एक नया स्टॉल ओपन हुआ था एंड मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अपने लिए एक टी ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे मैं आपको एक मेन्यू भी दिखा दूंगी कि इनकी मेन्यू में है क्या क्या, बट यहाँ पे एक सरप्राइज है। आपका नाम? स्वाति। सो मैंने अपने लिए लिया था ब्लूबेरी बोबा टी एंड मेरी फ्रेंड ने लिया था स्ट्रॉबेरी बोबा टी। ऑनेस्टली उसका वाला ज्यादा टेस्टी था बिकॉज उसमें से स्ट्रॉबेरी का काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा था। दिस वन वॉज क्वाइट यू नो ब्लैंड, बहुत ही लेस शुगरी था। हेल्थ वाइज इट इज गुड, मतलब गुड क्या ही है, कम इसमें चीनी थी। एंड देन वी ऑर्डर्ड सम मोमोज फ्रॉम लाफिंग एक्सप्रेस। मोमोज वर क्वाइट यू नो डिसेंट, देखने में अच्छे लग रहे थे, थोड़े टेढ़े मेढ़े थे बट इट वॉज गुड। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया बोबा टी क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत ही टेम्पटिंग थी। देन वी ट्राइड मोमोज, मोमोज में ना मोमो अच्छा था, मतलब ठीक था, खाने लायक था, बट द चटनी वो सो बैड, चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके आगे ये शॉप थी जहाँ पे रोड साइड स्टॉल लगा हुआ था एंड यहाँ पे बॉयज के स्टफ मिल रहे थे लाइक उनके स्पोर्ट्स वाले टी शर्ट्स, टैंक टॉप्स एंड यहाँ पे एक सेक्शन अलग से था जहाँ पे 400 rupees में ओवर साइज टी शर्ट्स मिल रहे थे। कुछ लड़कों को ओवर साइज पहनना पसंद होता है तो उनको यहाँ पे अपने लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, बट इट इज नॉट ओनली फॉर द बॉयज, इट इज बेसिकली अ यूनिसेक्स शॉप, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की कोई भी यहाँ से परचेज कर सकता है। बट आई फील कि कुछ कुछ की क्वालिटी अच्छी थी, कुछ कुछ तो बहुत ही बेकार थे। देन वी शॉप सम रामेन, हम जब भी यहाँ पे आते हैं हम रामेन जरूर परचेज करते हैं क्योंकि ब्लिंकिट एंड ऑनलाइन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लाइक 2-3 rupees का फर्क होता है बट फिर भी। देन वी एंटर्ड इन टू दिस शॉप, यहाँ पे क्लोदिंग के भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ओवर साइज टी शर्ट, शॉर्ट्स, बेसिकली कोरियन फैशन। एंड दिस इज माई नेक्स्ट फेवरेट शॉप इन मजनू का टेला। दिस शॉप इज नोन एज कोको स्टोर, आई होप कि आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बट यहाँ पे ना बॉयज के, गर्ल्स के टी शर्ट्स एंड स्पेशली क्लॉ क्लिप्स, आप देख सकते हो मैंने कितने सारे क्लॉ क्लिप्स यहाँ पे ट्राई किए थे एंड परचेज भी किया था।
जो कि मैं आपको आगे मे बी हॉल में दिखाऊंगी या फिर शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगी। बट यहाँ पे ना एकदम स्ट्रेट आउट ऑफ पिंटरेस्ट क्लॉ क्लिप्स मिलते हैं, जैसे पिंटरेस्ट पे दिखते हैं वैसे ही यहाँ पे मिलते हैं। बट ये मत सोचना कि आपको नॉर्मल मार्केट की तरह 100-150 में मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लॉ क्लिप्स स्टार्ट ही होता है 200 रुपीज से। सो 200 रुपीज का एक क्लॉ क्लिप मिला था मुझे, मैंने जो भी लिया वो मैं आपको शॉर्ट्स पे दिखा दूंगी। एंड देन आई मूव्ड अहेड उस शॉप के बाहर, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम एक नया कैफे ट्राई करेंगे। सो दिल्ली का ये मार्केट बाकी मार्केट से अलग है, लाइक जनपथ एंड सरोजनी, वहाँ पे आपको रेगुलर इंडियन स्टफ मिलेगा या फिर ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो एंड आपकी कंट्री में इजिली अवेलेबल है। बट इस मार्केट में चीजें इंपोर्टेड होती हैं, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, जापान एंड कोरिया, एंड ये सारी चीजें इजिली हमें ऑनलाइन भी नहीं अवेलेबल होती हैं। ऑल्सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि ये सारी चीजें तिब्बत से होके आती है, एंड यू ऑल नो दैट दिस इज अ तिब्बतन कॉलोनी, तो आई फील कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वही इंपोर्ट करके ले आते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस को हाई करके आउट करते हैं, विच इज लाइक ओके, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा हाई ही पड़ता होगा। आई रियली लाइक द फैशन सेंस ऑफ दिस मार्केट बिकॉज यहाँ पे काफी हटके चीजें मिलती हैं, फ्रॉम ड्रेसेस टू कॉट सेट टू ओवरसाइज शॉर्ट्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन शॉप फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट सिर्फ लड़कियों के लिए है, जैसा कि दिल्ली की बाकी मार्केट्स में आप जाओगे तो आपको फील होगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही चीजें हैं, बट यहाँ पे आई गेस कि लड़कों के लिए ज्यादा चीजें मिलती हैं, लाइक शॉर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, वट एवर यू वॉन्ट, एंड दे हैव सम रियली गुड प्रीमियम क्वालिटी शॉप्स एज वेल। तो आपको शोरूम्स वगैरह भी अगर देखना है तो आप देख सकते हो। मुझे स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है तो मैं स्ट्रीट शॉपिंग ही करती हूँ, एंड हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हैट वगैरह ट्राई कर रहे थे, शर्ट्स ट्राई कर रहे थे, ड्रेसेस चेकआउट कर रहे थे। खरीदा हमने बहुत कम है, बट हाँ ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ की सारी शॉप्स पे ऑलमोस्ट रिपीटेटिव चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट वाली पे क्रॉक्स मिल रहा है, स्लाइड मिल रहा है, तो आपको बहुत सारी शॉप पे सेम स्टफ मिलेगा। सो अगर आपको कुछ डिफरेंट एंड यूनिक ट्राई करना है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर द मार्केट, आपको बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ेगा अगर कुछ यूनिक चाहते हो या फिर ड्यूप चाहते हो तो। एंड ऑल्सो वी एनकाउंटर अ शॉप जहाँ पे बहुत ही अच्छे बोहेमियन स्टफ मिल रहे थे अपार्ट फ्रॉम द स्लाइड्स एंड फुटवेयर, एंड ऑल्सो देयर वॉज द शॉप जहाँ पे ज़ारा का पूरा ही शोरूम रखा था, लाइक पूरा के पूरे आइटम ज़ारा के ड्यूप थे, फ्रॉम दिस ब्रालेट टू दिस पैंट ट्राउजर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे हैव वॉज लाइक अ ड्यूप ऑफ ज़ारा। एंड आई ऑल्सो इनकाउंटर्ड BTS T-shirt, सो BTS आर्मी कैन रन टू दिस मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ना BTS से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऑल्सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एनिमे स्टफ, तो जिनको एनिमे पसंद है, कार्टून पसंद है, उनके T-shirts वगैरह, उनके प्रिंट की चीजें यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्लोरल स्टफ। आमा कैफे के ठीक सामने कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बोहिमियन ड्रेसेस मिलेंगी, जस्ट लाइक दिस व्हाइट वन एंड ऑरेंज वन। आई really like the dresses but they were quoting so high, like more than 1500 rupees, so mera bargain karne ka mood nahi tha and we went ahead। द मेन रीजन वाई वी वेंट टू MKT वॉज टू गो टू कोजा स्टोर। सो बेसिकली वी वॉन्ट टू बाय सम टेंट, माई फ्रेंड इज लर्निंग मेकअप, शी इज टेकिंग मेकअप क्लासेस, सो शी वॉन्टेड टू बाय सम गुड मेकअप फ्रॉम हेयर, लाइक कोरियन मेकअप, एंड यहाँ पे आपको टिंट, लिपस्टिक, फाउंडेशन सब कुछ मिल जाता है फ्रॉम कोरियन ब्रांड्स एंड ऑल्सो एट डिस्काउंट। आई ऑल्सो सॉ दीज BTS कलेक्शन जो की काफी अच्छे थे, लाइक सॉफ्ट टॉयज, देयर टोर बैग्स, यहाँ पे भी हेयर एक्सेसरीज काफी मिल रही थी, लाइक स्क्रंचीज, रबर बैंड्स, हेयर क्लिप, क्लॉ क्लिप। बट मैंने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग पहले भी कर ली है, लाइक मैं पता नहीं कितनी बार यहाँ पे जा चुकी हूँ, दैट्स व्हाई। सो या वी शॉप्ड अ लिटिल बिट, जिन चीजों की भी उसे जरूरत थी हमने लिया एंड वी वेंट आउट। कोजा स्टोर के सामने भी आपको ऐसे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे ड्रेसेस मिलते हैं, स्पेसिफिकली समर ड्रेस। आई लव द कलर, दिस लेमन वन वाज सो क्यूट, एंड देन वी वेंट अहेड एंड आगे ऐसे ही हम लोग शॉप्स एक्सप्लोर कर रहे थे, तब से हमें एक इतना प्यारा सा डॉगी दिखा, इतना सुंदर था ये एंड क्यूट, लाइक लुक एट हिम और हर, आई डोंट नो द जेंडर बट स्टिल ही वॉज क्यूट एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम। सो
सारी शॉपिंग करने के बाद तो आधा घंटा हमें ये ढूंढने में लगा कि जिस कैफे के लिए हम आए हैं वो कैफे है कहाँ। लाइक मजनू के टीला में इतने सारे कैफेज ओपन हो गए हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कैफे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। हर तरफ आपको एक नया कैफे देखने को मिलेगा, पहले तो दो तीन ही थे, इसीलिए मैंने क्लिप को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। एंड यू कैन सी हाउ मच आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द कैफे। ना कहीं साइन बोर्ड था, ना कहीं बैनर था, किसी से पूछने में भी पता नहीं चल रहा था बिकॉज इट वॉज अ न्यू कैफे। बट स्टिल हम थोड़ा सा घूमे, मार्केट में पता किया, एंड देन फाइनली आई सॉ द साइन बोर्ड एंड उसके बाद हम गए थे उस कैफे में। सो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल वी फाइंड द कैफे। कैफे का नाम है सारंग कैफे एंड सारंग इज अ कोरियन वर्ड जिसका हिंदी में मतलब होता है प्यार, प्रेम, आई लव यू, जो भी आप कह लो, आप गूगल कर सकते हो। सो इट इज़ बेसिकली अ कोरियन बेस्ड कैफे एंड यहाँ पे जो भी खाना मिलता है सब कोरियन मिलता है एंड मुझे कोरियन खाना ही ट्राई करना था। मैंने मेन्यू का पूरा क्लिप यहाँ पे लगा दिया बिकॉज मेरी लास्ट वीडियोज पे आप लोगों ने बोला था कि आप मेन्यू नहीं दिखाते कहीं भी जाते हो, तो मैं दिखा दे रही हूँ इस बार। आई डोंट नो, आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड बहुत गर्मी थी, प्लस इस कैफे से आपको सिग्नेचर ब्रिज का काफी अच्छा व्यू दिखता है। आप देख सकते हो ग्लास के विंडो के उस साइड काफी ग्रीनरी है बिकॉज यहाँ पे एक नदी भी बहती है। एंड हमने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफी फ्रैपेचिनो काइंड ऑफ, एंड ये कोल्ड कॉफी कुछ ऐसे ही दिख रही थी, दिखने में काफी अच्छा था, लाइक प्रेजेंटेशन वाज 10/10, बट लेट मी टेस्ट इट फॉर यू गाइस। टेस्ट करने के बाद आप मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख सकते हो, इट वाज सो बैड, लाइक इतनी गंदी कोल्ड कॉफी मैंने आज तक नहीं पी थी, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को पास कर दी। एंड देन वी ऑर्डर्ड किम्बाप। मैं किम्बाप पहली बार ट्राई करने जा रही थी, आई वॉज सो एक्साइटेड। एंड चॉपस्टिक से तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बट स्टिल आई एम लर्निंग की हाउ टू यूज चॉपस्टिक। क्या पता कभी फ्यूचर में कोरिया जापान जाने का मौका मिले तो वहां बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए यही ट्राई कर ले रही हूँ। सो या दिस इज हाउ आई एट इट एंड मुझे धीरे धीरे आ गया है वैसे, बट द किम्बाप वॉज सो टेस्टलेस। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना टेस्टलेस होगा, कोरियन फूड जनरली स्पाइसी होते हैं, बट दिस किम्बाप वॉज लाइक चावल का रोल आप बोल सकते हो, उसके अंदर सब्जियां थी। द सीवीड पेपर टेस्टेड सो क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा था। इतना खराब टेस्ट आ रहा था फिर भी मैंने और मेरी फ्रेंड ने पूरा प्लेट उड़ा दिया। सो इट वॉज लाइक गुड, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बट फ्यूचर में अगर मेरे से कोई कहेगा किम्बाप खाने के लिए तो मैं नहीं खाऊंगी। सो किम्बाप से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने रामेन ऑर्डर किया। देखने में काफी टेम्पटिंग था एंड आप देख सकते हो मतलब जूसी भी है, नूडल्स भी हैं, बट उसमें लिखा था कि इसमें वेजीज आएंगी, इसमें बिल्कुल भी वेजीज नहीं थी, कोई भी मशरूम नहीं था, बेल पेपर वगैरह कुछ भी नहीं था, इट वॉज प्लेन रामेन जिसको बॉयल कर दिया गया हो। सो ये हमें पड़ा था अराउंड 250 रुपीज का, बट एक रामेन का पैकेट आपको 100 रुपीज का मिलता है, सो उस हिसाब से दे चार्ज 100 रुपीज एक्स्ट्रा। चलो 50 रुपए फिर भी गैस एंड मेहनत के हम दे सकते हैं, बट 250 रुपीज फॉर अ पैकेट ऑफ रामेन वॉज टू मच। ये सब खाने के बाद और अपना नुकसान करवाने के बाद हम बाहर आ गए एंड देन वी स्टार्टेड बाइंग सम कोरियन नूडल कैंडीज एंड मंचीज। एंड यहाँ पे पूरा गर्ल ग्रुप ये डिसाइड करने में लगा था कि कौन से फ्लेवर का रामेन ज्यादा लेना है, आपस में ही बहस लगी हुई थी कि कौन सा फ्लेवर ज्यादा लेना है, सुपर स्पाइसी वाला या फिर मीडियम स्पाइसी वाला। एंड यहाँ हम सब डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा ज़्यादा ले कौन सा नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल थे, लाइक किमची फ्लेवर, सुपर स्पाइसी, टू टाइम्स स्पाइसी, बुलडक के अलग थे, सिन रामयून करके एक ब्रांड है उसका अलग था। सो अगर आप फर्स्ट टाइम रामेन परचेज कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आप MKT से परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन से थोड़ा सस्ता मिल जाता है एंड अगर आप ज़्यादा परचेज करोगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो देयर आर 2-3 ब्रांड्स, बुलडक एंड शिन रामेन करके एक ब्रांड है, ये दोनों कोरियन ब्रांड है, इनके जो नूडल्स होते हैं वो काफी स्पाइसी होते हैं, तो अगर आपको स्पाइसी पसंद है यू कैन बाय फ्रॉम देयर। किमची मत लेना, लास्ट टाइम मेरे 150 रुपीज वेस्ट हो गए थे। मैं बहुत शौक से किमची लेके गई थी यहाँ से एंड जब हमने उसको फाड़ के खाया, लाइक इट वॉज सो बैड, सड़े हुए अचार जैसा लगता है, इवन अचार जैसा भी नहीं लगता है। हमारे यहाँ तो अचार में फिर भी फ्लेवर होता है, मसाले होते हैं, टेस्ट होता है, नमक होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्ता गोभी जैसा लगता है एंड वो भी इतना कि मैं क्या बताऊं, सो आई विल नॉट सजेस्ट। एंड यहाँ हम बार्गेन कर रहे हैं, हमने इस बार चॉपस्टिक्स भी खरीदी हैं, लाइक 2-3 चॉपस्टिक, ताकि हम घर पे ही ट्राई कर सके कि हाउ टू यूज चॉपस्टिक, क्या पता कभी चॉपस्टिक से खाने का मौका मिल ही जाए। We'll be right back.
आफ्टर ऑल द शॉपिंग वी वेंट टू कमला नगर. यहाँ पे एक फ्रेंड है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है एंड हम सब वहाँ से मिलके गए इंडिया गेट. दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग इंडिया गेट. मैं इससे पहले कभी भी इंडिया गेट नहीं गई थी एंड इट इज़ फिनोमिनल. मैंने सिर्फ अपने मम्मी पापा के फोटो में ही इंडिया गेट को देखा था बिकॉज वो पहले आ चुके हैं. इट इज़ सो बिग, मतलब पिक्चर्स में ही छोटा सा दिखता है बट जब आप पास से इसको देखोगे ये बहुत ज़्यादा बड़ा मोन्यूमेंट है. एंड या दैट वॉज माई डे. आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड मैं जल्दी से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.